आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो मटन का पचौनी का रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने एक पुआ मटन का पचौनी लिया है और इसे हम गर्म पानी में बॉईल करेंगे 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रखा है, इसी में हम पचौनी को ऐड करेंगे। अब यहाँ जो पचौनी है इसे हम अच्छे से 5-7 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने से इसका जो पचौनी का जो गंदा होता है वो निकल जाता है, तो इसलिए हम इसे बॉईल कर रहे हैं। और बॉईल करने के बाद ये बहुत ही साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, ये परफेक्ट हमने बॉईल कर लिया है और ये देखिए फूल गया है क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये आपको काटने में भी बहुत आसानी होगा क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने एकदम परफेक्ट यहाँ पे पीसेस कट करके रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें कट करना था, तो चलिए अब इसे हम अच्छे से धुलाई करके साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमने एकदम फ्रेश से धुलाई कर लिया है। अब इसे हम मुट्ठी से निचोड़ कर इसका पानी निकालेंगे। तो हमें ऐसा एकदम कर लेना है। अब गैस जलाकर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे गैस पे। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में 50 ग्राम सरसों का तेल डाले हैं। अब छोटा चम्मच से गोटा जीरा 1 चम्मच डालेंगे। अब जीरा को थोड़ा मड़कने देते हैं। अब 3 ठो मीडियम साइज कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तेल में। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। अब जो पचौनी है हम उसे डालेंगे और पचौनी डालने के बाद हम 1 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। दोस्तों, आपने कभी ऐसा बना के खाया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर खाया है तो आपको कैसा लगा है वो भी बताइएगा। तो इसी तरह से हमें 1 मिनट तक भूनना है। तो हमने यहाँ पे भून लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक का और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। छोटा चम्मच से 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब आधा चम्मच छोटा चम्मच से गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। छोटा चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप अपने हिसाब से डालें। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब छोटा चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला डाल, आप चाहे तो चिकन मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें छोटा कप से 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट तक हम इसी तरह से भूनेंगे ताकि जो पचौनी है वो अच्छे से पक जाए। तो हमें इसी तरह से 5 मिनट तक भूनना है। यहाँ पे हमने 5 मिनट तक परफेक्ट भूना है, मसाला को और पचौनी को अच्छा से भुना गया है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप इसको सूखा भी बना सकते हैं, सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था, हमने इसीलिए इसमें थोड़ा सा 2 कप पानी ऐड किया है। अभी हम पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे पचौनी को। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा पचौनी था वो परफेक्ट पक गया है, आप देख सकते हैं। हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए। अगर ग्रेवी आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये परफेक्ट बना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।